स्वागत है आज आपका इस एक नए क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे 2017 का ये पेपर है और इसका ये पार्ट 3 होगा, जिसमें में हम मॉडर्न की बात करेंगे ना। किसकी बात करेंगे? इसमें मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। इसे पहले किसी क्लास आपने नहीं देखी तो बार बार देखिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ आता नहीं है। और अगर कोई डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है? इससे बाहर कुछ नहीं आता है, इससे बड़ा कुछ अभी तक कोई कोर्स बना नहीं है। आराम से देखना इसको, जितनी क्लासें उनको बार बार देखते रहो, क्योंकि 100 के प्लस क्लासें हो गई हैं, उनको बार बार देखते रहो, बस भला हो जाएगा। तो नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन, दूसरे को कारण कहेंगे, है ना। जब 1714 में निजामुल मुल्क वायसराय के रूप में दक्कन पहुंचा, तो उसने शाहू को दक्कन के चोथ और सरदेशमुखी के भुगतान संबंधी दाऊद खां के समझौते को मानने से इनकार कर दिया। देखिए, निजामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार किसने बनाया? किसने बनाया था? फर्रुखसियर, ठीक है। जब वो दक्कन गया तो दक्कन में मराठों का प्रभाव स्थापित था, और मराठों को वहां पर दक्कन के 6 सूबों की सरदेशमुखी और चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिला हुआ था। चौथ एक सुरक्षा की दृष्टि से कह लीजिए 25% लिया जाता था, कि जिन अक्षेत्रों को मराठों की लूट मार से बचना है या दूसरे कोई लूट मार ना करें, उनसे चौथ वसूल किया जाता। सरदेशमुखी क्योंकि इन क्षेत्रों पर शिवाजी अपना पैतृक अधिकार मानते थे, तो वहां से 10% सरदेशमुखी, है ना। 10 सरदेशमुखी, 10% और चौथ प्रतिशत, कितना प्रतिशत वसूल किया जाता? 25% वसूल किया जाता। तो उसने मना कर दिया। अब उसके मना करने से क्या होता है? ये बात तो सही है, उसके मना कर दिया, लेकिन मराठों ने उठा के उसको हरा दिया। निजामुल मुल्क इसके बाद क्या होता है कि देखिए, 1739 में जब, इससे पहले की घटना के बारे में और जिक्र करते हैं, 1724 में निजामुल मुल्क क्या करता है? दिल्ली में तंग हो जाता है ना, और दिल्ली से निकलकर वो चला जाता है निजामुल मुल्क हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है ना। दक्कन में, और वो क्या करता है? अब ये जब हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, तो जो मोहम्मद शाह था वो क्या करता है? रंगीला है, जो मोहम्मद शाह रंगीला, उसमें मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, इसके खिलाफ किसको भेजता है? इसके खिलाफ मुबारिस खां को भेजता है। किसको भेजता है? मुबारिस खां को। इनके बीच में शुक्रखेड़ा का युद्ध होता है। शुक्रखेड़ा के युद्ध में इसमें निजाम क्या करता है? निजाम मराठों की सहायता से किसको हरा देता है? मुबारिस खां को हरा देता है। ठीक है, किसको हरा देता है? मुबारिस खां को हरा देता है। अब 1719 में क्या होता है? 1719 में क्या हुआ था? फर्रुखसियर को किसने हटाया था? फर्रुखसियर को मराठों की सहायता से ही हटाया गया था ना। है
ना, ये भी बात ध्यान में रखना। अब क्या हुआ, 1737 में जब बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ है ना, के साथ दिल्ली पहुंच गया, तो बादशाह ने निजाम को ही मदद के लिए बुलाया ना। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और मोहम्मद शाह ने निजाम को आसफ जहां की उपाधि दी थी ना, ये अबकी बार क्वेश्चन आया था ना, आसफ जहां की उपाधि दी। और 1739 में भी नादिर शाह के खिलाफ निजाम ने क्या किया था, निजाम ने मोहम्मद शाह की सहायता की ना। और इससे पहले भी आप देखेंगे सैयद बंधुओं के पतन में भी निजाम का बड़ा हाथ था। ठीक है, निजाम का बड़ा हाथ था। अब ये तो इसका मतलब ये जो पहला है ये तो ठीक है, दूसरा दूसरा वाक्य क्या है कि निजामुल मुल्क ने कई बार मराठों को पराजित किया, ये गलत है क्योंकि मराठों ने निजाम को कब, 1727 में पालखेड़ा के युद्ध में है ना, उसके बाद 1739 में भोपाल के युद्ध में हराया। तो इसके लिए मतलब जितनी बार भी निजाम और मराठे टकराए तो हर बार मराठों की विजय हुई, हर बार मराठों ने निजाम को हराया, निजाम ने मराठों को नहीं हराया। ठीक है, तो क्या है, ए सही है आर गलत है, इसका उत्तर ये होगा बी, नहीं सी होगा उत्तर ना, ये बी तो ये होगा, ए बी ये ठीक है, ये नंबरिंग चेंज हो गई है। तो सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब और कहाँ हुई, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी, ये कलकत्ता में 1825 में हुई थी है ना, कलकत्ता में 1825 में, क्योंकि कलकत्ता ही उस समय आधुनिक एजुकेशन से सबसे पहले प्रभावित हुआ था, इसमें राजा राम मोहन राय और ये लोग कलकत्ता में ही सबसे ज्यादा एक्टिव थे। ये इसकी स्थापना किसने की, हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट वह एच विल्सन के द्वारा की गई थी ना, एच विल्सन के सहयोग से। और इसका उद्देश्य क्या था, भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इसका उद्देश्य है, भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास।
ठीक है, जो हिंदू कॉलेज है की स्थापना 1817 में किसने की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय। वह डेविड हेयर ने की थी। ठीक है, ये घड़ी साज था, घड़ी है ना, तो ठीक है ये था इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये 1857 के नेता हैं विद्रोह का, जिन्होंने नेतृत्व किया। तो 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहां पर घटती है? सबसे पहले 29 मार्च 1857 बैरकपुर में ना, जो क्या है उसका नाम, मंगल पांडे, सर्बी वाले कास्तूस चलाने से मना कर देता है ना। चलाने से मना कर देता है ना। अपने अधिकारियों की हत्या कर देता है। अपने अधिकारियों की हत्या करता है ना। अब इस पे उसको पकड़ लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी होती है ना कलकत्ता। ठीक है, ये 1857 का पहला सही था। उसके बाद 10 मई को मेरठ में क्रांति होती है। 10 मई मेरठ, क्रांति, ठीक है। डेट, वैसे डेट फाइनल क्या की गई थी? डेट रखी गई थी 31 मई। 1857 के विद्रोह पर सबसे पहली किताब किसने लिखी थी? 1857 के विद्रोह पर पहली बुक किसने लिखी? 1857 के विद्रोह पर पहली बुक जो लिखी थी वो सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। है ना, असबाब बगावत हिंद ना। ठीक है, तो बख्त खान जो है ये जो दिल्ली में क्या था, जो युद्ध के संचालन समिति बनाई गई थी, समिति का अध्यक्ष था ये। है ना, जो मोहम्मद सारंगीला, मोहम्मद सॉरी जफर द्वितीय है, वो तो नाम का था, सारा हाथ में किसके था? बख्त खां के था। ठीक है, इसके हाथ में था सारा सारा बख्त खां का। ये बरेली से दिल्ली आया था ना, बरेली से 3 जुलाई को दिल्ली आया था। है ना, इसके ऊपर गद्दारी का शक भी है, ये भी कहते हैं कि शायद इसी, ये भी गद्दारों में शामिल था। इसके ऊपर गद्दारी का शक है।
अब सही है गलत है वो पता नहीं। कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर में थे ना, ये 80 वर्ष के थे ना, इनको बिहार का शेर कहते हैं। क्या कहते हैं बिहार का शेर। इन्होंने इनकी एक हाथ घा एक बाजू जो घायल हो गई थी, इन्होंने अपनी बाजू खुद ही काट ली थी। ठीक है उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में थे। मौलवी अहमदुल्ला की जो कहानी है वो क्या थी, अंग्रेजों ने इसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। है ना, 50,000 का इनाम रखा। और मौलवी अहमदुल्ला ने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था जी ना। और इसको अंग्रेजों ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से हराया। किस सहयोग से पराजित किया। ठीक है उसके बाद हजरत महल, इसको महक परी बोलते हैं ना। ये लखनऊ में इसने अपने बेटे को गद्दी पर बिठाया और विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है बाद में नेपाल चली गई ना। वहीं गुमनाम की जिंदगी मरी। ठीक है तो इसका उत्तर नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, को कथन और दूसरे को कारण कहेंगे। पारंपरिक जो ट्रेडिशनल दस्तकारी कुटीर उद्योग का हास ब्रिटिश व्यापारिक नीतियों का परिणाम था, क्योंकि भारत का जो दस्तकारी उद्योग था प्राचीन काल से ही बड़ा फ्लोरिश था ना। प्राचीन काल से ये कह लीजिए कि प्रसिद्ध था। ठीक है भारतीय वस्त्रों की, इसमें मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग इसमें प्रमुख था ना, सूती वस्त्र उद्योग। जब आरंभ में विदेशी आए, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को फायदा हुआ ना, इंडस्ट्री को फायदा हुआ, को लाभ हुआ, क्योंकि तो इनसे ही सामान खरीद के वो लोग बाहर बेचते थे, लाभ हुआ। परंतु जब अंग्रेजों ने भारत में सत्ता स्थापित कर ली, तो अपनी नीतियों के द्वारा भारत को कच्चा माल का उत्पादक व तैयार माल का उपभोक्ता बना दिया ना।
ध्यान में रखिएगा, तैयार माल का उपभोक्ता बना दिया। 1813 के बाद क्या हुआ, 1813 के बाद भारत का व्यापार सबके लिए ओपन कर दिया गया ना। है ना, भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर बारीक कर लगा दिए ना, ऊंचे थे, जबकि आयात की जाने वाली वस्तुओं पर कम, ठीक है, जबकि आयात की जाने वाली वस्तुओं पर ये क्या थे, कर थे, वो कम थे। ठीक है, तो साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध करवाए, उन्होंने कच्चा माल मिल गया, यहाँ तैयार माल के लिए एक बाजार मिल गया इतना बड़ा, तो ये सारे, ये तो इसका मतलब ये कथन और कांड दोनों सत्य हैं, और ये इसकी व्याख्या भी है ना, कथन और कांड दोनों सत्य हैं और ये इसकी व्याख्या है। विलियम वो क्या है इनका, बेंटिंग क्या लिखते हैं, वर्णन करता है कि बंगाल के मैदान बुनकरों की हड्डियों से ना से भर गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नीचे कथनों कांड दिए गए हैं। उदारवादी वास्तव में विश्वास रखते थे कि भारत के स्वशासन का एक संवैधानिक मार्ग है, मतलब भारत को ऐसे एकदम से आजाद करवाने की कोई जरूरत नहीं है, उसका एक संवैधानिक मार्ग हुआ। उदारवादी जो चरण रहा है 1885 से लेकर 1905, इसके जो प्रमुख नेता थे उसमें फिरोज शाह मेहता, है ना, इसको फिर उस समय तो क्या कहते हैं, बेताज बादशाह, एस एन बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, ये कहाँ थे कि इनका उद्देश्य क्या था, ये क्या करते थे इस समय के दौरान, भाषण और प्रतिवेदनों तक ही सीमित थे ना, प्रतिवेदन तक सीमित थे। एक बार साल में दक्षिण दिसंबर महीने में इकट्ठे होते थे और ये जो भी इनको करना होता था उसमें प्रस्ताव पास होते थे, उनके एप्लीकेशन किसको, ब्रिटिश को भेज देते थे, उनके ऊपर वो काम करे ना करे अगले साल फिर डिस्कस करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस समूह के प्रति कांग्रेस के अंदर ही असंतोष पैदा हो गया ना, असंतोष पैदा हुआ ना, जिसके कारण
1907 में क्या हुआ, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। नरम दल और गरम दल ना, नरम दल और गरम दल में इसका विभाजन हुआ, और गरम दल के जो सदस्य थे उनमें लाल बाल पाल थे। जिसका कारण क्या बना था, जिसका कारण बना था भंग भंग आंदोलन। ये बात सही है। उनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति दृढ़ आस्था थी ना, उनकी जो ब्रिटिशर्स थे उनके, वो विश्वास करते थे उनमें ना, ये ठीक काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत करेंगे। उनकी आस्था थी उनमें, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये जो ब्रिटिश हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये यहाँ पर हमारा, हमारे डेवलपमेंट में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन बाद में इन चीज़ों का इनको स्पष्टता आती है, और बाद में जब 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग होता है ना, स्वराज का प्रयोग कांग्रेस मंच से होता है ना, क्योंकि जो स्वराज का पहली बार प्रयोग किसने किया था, स्वराज दयानंद सरस्वती ने किया था। उन्होंने क्या कहा कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन स्वदेशी का स्थानापन्न नहीं हो सकता। शासन स्वदेशी का स्थानापन्न नहीं हो सकता। तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी है। नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक कारण दिए। विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत धर्म के विरुद्ध है। जो विवेकानंद थे उनको क्या कहते, तूफानी हिंदू, मैं क्या कहते हैं, तूफानी हिंदू कहते हैं। और इनको सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था ना। ठीक है, आध्यात्मिक पिता इनको कहा था। और इन्होंने क्या किया था, 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, शिकागो धर्म सम्मेलन के प्रसिद्ध हैं। और इसके बाद है 1896 में क्या हुआ था, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। अठारह सौ छियानवे स्थान वेलोर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना,
ना, सभी बुराइयों मतभेदों पर विश्वास करने से आती है, सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं, सभी अच्छाइयां समानता पर में आस्था निहित एकता और एक रूपता की समस्या आती है। क्या कहते हैं कि देखिए, सभी बुराइयां हैं, अगर हमारे बीच में मतभेद होंगे तो सभी बुराइयां आएंगी, अगर हमारे बीच में समानता है तो हमारे बीच में बुराइयां आएंगी ही नहीं, है ना, जिसकी जड़ें हमारे मतभेद हैं, ऊंच नीच है। तो ये दोनों ही सही हैं और इसकी व्याख्या भी है। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त पर विचार आगे बढ़ाने में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं था? जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने 1793 में लागू किया, जिसके अनुसार दो भाग थे, 89 कंपनी को मिलता था और 11 जो है जमींदारों को। जमींदारों को सदा के लिए भूमि का मालिक मान लिया गया था, जमींदारों को सदा के लिए भूमि का मालिक। यह स्थायी बंदोबस्त जो था कुल क्षेत्र के ~19% पर था। ना 19% पर था स्थायी बंदोबस्त। और कि जो क्या नाम उनका, आर पी दत्त, इसके समर्थक थे, आर पी दत्त ने इसका समर्थन किया। तो स्थायी बंदोबस्त के में कौन कौन थे? अलेक्जेंडर डो ये इसमें थे, थॉमस लॉ ये भी थे, ये मोंटगमरी मार्टिन नहीं थे, मोंटगमरी मार्टिन नहीं थे, फिलिप फ्रांसिस भी इसमें थे, तो ये नहीं थे। उत्तर ये है हमारा, है ना, इसमें फिलिप फ्रांसिस नहीं थे। निम्न जनजातीय जो विद्रोह को क्रमानुसार लगाना है, कालक्रम में लगाना है, निम्न जो विद्रोह हुए उनको कालक्रम में लगाना है। सबसे पहले रंपा, रंपम पम, रंपा विद्रोह हुआ था 1879-80, ठीक है, आंध्र प्रदेश, है ना, 1879-80 में कहाँ पर हुआ ये? आंध्र प्रदेश में ना। इसके वो कौन थे नेता? सीताराम राजू बने बाद में इसके, आगे चलकर जो ये है, यह है आंदोलन, आगे चलकर गांधी के विचारों से प्रभावित हुआ ना। है ना, गांधी के विचारों से प्रभावित हुआ। उसके बाद संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह जो है 1855, इसके नेता थे सिंधु और कानू। और जो संथालों ने क्या किया था, संथालों ने सबसे खतरनाक वाला विद्रोह किया और उन्होंने मेजर ब्रो को हराया था ना,
ठीक है, मेजर ग्रह को शायद। और ये क्षेत्र मुख्य रूप से कहां पर था, ये जो विद्रोह था मुख्य रूप से वीरभूम, बांकुरा, मुर्शिदाबाद, पाकुरा, दुमका, भागलपुर और पूर्णिया है ना। और बाद में क्या हुआ था, ये जो सिद्धू और कानू थे अपने आप को ठाकुर का अवतार कहा इन्होंने, ठाकुर मतलब कृष्ण, बाद में जो जिस क्षेत्र में, बाद में जिस क्षेत्र में संथाल सर्वाधिक रहते थे, संथाल सर्वाधिक थे, संख्या में रहते थे, उसे उस क्षेत्र को दामन को, दामने को क्षेत्र घोषित कर दिया जाना। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है 1831-32, क्या हुआ, कोल विद्रोह हुआ छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नाग, इसका जो भगत, इसके जो नेता थे वो कौन थे, इसके नेता थे बादो भगत, जत्रा भगत, बुदो भगत है ना। ये इसके नेता थे ना। ये जो मुख्य विद्रोह था ये दिक्कू के खिलाफ था ना, दिक्कू के विरुद्ध था। दिक्कू कौन होते थे, जो दिक्कू वो लोग थे जो लोग बाहर से आके रहते थे ना, जो लोग बाहर से आए थे, है ना, उन जंगलों पे, जंगलों की संपत्ति, जंगलों की संपदा को लूटना, लूटने का प्रयास कर रहे थे ना। उसके बाद है 1800 बिरसा मुंडा का नेतृत्व, 1800 ये मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर 1900 तक हुआ, ये सर्वाधिक चर्चित आंदोलन था ना। ठीक है, मुंडा विद्रोह को क्या कहते हैं, उलूंगलान। के नाम से जाना गया ना। बिरसा मुंडा ने, बिरसा ने अपने अनुयायियों को ना सिंह बोंगा की पूजा करने को कहा था ना, सिंह बोंगा कोई बाबा होंगे इनके। करने को कहा, ठीक है, ये खुद को भगवान का दूत कहते थे, ये कहते थे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं खुद खुद को भगवान का दूत। ठीक है, 1900 में हजारीबाग जेल में इनकी मृत्यु हुई है, जेल में हैजे से मृत्यु हुई, हैजा से मृत्यु।
ठीक है, इसका जो उत्तर बनता है वो क्या बनता है? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी नेता थे? इनमें से कौन क्रांतिकारी नेता थे? इनमें से कौन क्रांतिकारी नेता थे? बरकतुल्ला थे जो, बरकतुल्ला ये गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे ये। खिजर हयात खां नहीं थे। अब्दुल्ला सिंधी, अब्दुल्ला जो सिंधी थे ये रेशमी रुमाल षड्यंत्र के से जुड़े हैं ना रेस। रेशमी रुमाल षड्यंत्र के से जुड़े हैं। इन्होंने पान इस्लामिक आंदोलन भी में भी भूमिका रही है। पान इस्लामिक आंदोलन महमूद हसन, जो महमूद हसन हैं इनको सियाकुल हिंद भी कहते हैं। है ना, सियाकुल हिंद इनको कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? ये भी रेशमी षड्यंत्र के इससे जुड़े हैं, है ना, और खिलाफत आंदोलन से। तो उत्तर हमारा क्या होगा? तीन नहीं है बस, ठीक है, तीन इनमें नहीं शामिल है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के प्रति पहली बार कांग्रेस ने अपनी नीति स्पष्ट की? वो नागपुर अधिवेशन 1920 में की थी। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अधिवेशन था ये ना। ना, और इसका इस अधिवेशन के बाद, इस अधिवेशन के साथ ही कांग्रेस एक जन आधार वाली पार्टी बन गई थी, जन आधार वाला आंदोलन बन गया था। जन ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा 1939 पहली बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई।
ना, सुभाष ने गांधी के कैंडिडेट सीतापट्टम रमैया गौरा सुभाष ने सीतावी पट्टम सीता। रमैया को हराया ना, हराया हाँ, जिसके लिए गांधी ने कहा था कि इसकी हार मेरी हार है, जिसके लिए गांधी ने कहा इसकी हार मेरी हार है। ना सीतापट्टा रमैया की हार मेरी हार होगी। उसमें हरिपुरा अधिवेशन, इसमें योजना आयोग बना, राष्ट्रीय योजना आयोग बनाया गया था। नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को, दो नेहरू थे ना, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष, और कराची अधिवेशन 1931 मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित। नहीं, इस अधिवेशन में गांधी का विरोध हुआ था, गांधी का विरोध हुआ था क्योंकि गांधी रिविन समझौते के कारण। गांधी इरविन समझौते के कारण विरोध हुआ था ना। चलिए, नागपुर अधिवेशन में और क्या किया गया था ऐसा, सहयोग आंदोलन की बागडोर। गांधी को दी गई थी, इसमें गांधी ने क्या, विरोध होने पर गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा, पर गांधीवाद। हमेशा जीवित रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। कांग्रेस ना, और 26 जनवरी का दिन छब्बीस जनवरी का जो दिन है, छब्बीस जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा घोषणा की, के रूप में चुना गया ना। ठीक है, रावी नदी के तट पर रात को झंडा फहराया गया ना। ठीक है, मद्रास अधिवेशन में क्या हुआ था? मद्रास अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस की 1887 में हुआ था ये, बदरुद्दीन तैयब जी,
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और कांग्रेस के मंच से सरकार की आलोचना शुरू हुई। सरकार की आलोचना, ठीक है। और इसने बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था ना। ठीक है। और लखनऊ समझौता, लखनऊ अधिवेशन 1916 कांग्रेस लीग पैक्ट के लिए जाना जाता है ना। ठीक है। और नरम दल गरम दल एक हुए इसमें ना। ठीक है। नरम दल गरम दल एक हुए। कलकत्ता में सर्वाधिक अधिवेशन होते हैं। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में उनमें से कौन सा संगठन बनाया? वो महिला आत्मरक्षण समिति बनाई थी। क्या बनाई थी? महिला आत्मरक्षण समिति का गठन किया था। ठीक है। 1942 में और क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता ना। ठीक है। और क्रिप्स मिशन आता है। में से कौन क्वेश्चन का हुआ प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? कौन सी थी वो? सरोजिनी नायडू है ना, 1925 के कानपुर अधिवेशन। ठीक। इससे पहले अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन। है ना? सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ठीक है। वाम बोधनी वामबोधिनी उमेश चंद्र दत्त द्वारा संपादित थी, है ना।
और महिला है वो गिरीश चंद्र सेन द्वारा संपादित थी, भारती। जे द्विजेंद्र नाथ टैगोर है ना, और सुप्रभात, कुमुदनी तथा बसंती मिश्रा द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये इनका वो था, तो उसका उत्तर हुआ है ये, इनको जरूर याद रखना। वामबोधिनी उमेश चंद्र दत्त द्वारा संपादित, महिला गिरीश चंद्र सेन।